Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. Before starting with the explanation of sexual reproduction in humans, we have to understand two things actually. First, male reproductive system and female reproductive system. Because यही वो दोनों system हैं जो आगे चलकर contribute करेंगे sexual reproduction में. तो इन दोनों structures को, इन दोनों system को आपको separately पढ़ना है, समझना है, in order to understand sexual reproduction in humans easily. Now, what is male reproductive system? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस आएंगे, विच आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन माई दिस स्लाइड्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स स्टार्ट. अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. स्पर्म के प्रोडक्शन से इजैकुलेशन कहाँ से होगा, ये सीरीज में हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर को. नाउ लेट्स स्टार्ट. मैंने क्या किया है एक्सप्लेनेशन के लिए, सी आपके बुक में जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो बहुत मिक्स्ड है, बहुत ही मिक्स्ड है. देयर इज़ नो हायरार्की, कोई सीक्वेंस ही नहीं है कि कैसे उसको समझेंगे. पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए आपको पूरे सिस्टम को आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है. पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे स्पर्म्स और हार्मोन, दैट इज़ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन होगा. तो एक हो गया ये पेयर टेस्टिस. द कमिंग टू द सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज़ पेयर एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स क्या हैं, वो ऐसे सिक्रीशन देंगे स्पर्म को, ऐसे सिक्रीशन होंगे जिसको टुगेदर, जिसको सीमेन बोलते हैं, वो आगे चल के स्पर्म के नरिशमेंट में, मैचुरेशन में हेल्प करने वाले हैं. तो एक जगह पे प्रोडक्शन होगा, एक जगह पे होगा उसका मैचुरेशन और आई कैन से उसकी नरिशमेंट होगी. एंड थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूब्स दैट आर गोइंग टू स्टोर द स्पर्म एंड कंडक्ट देम आउट ऑफ द बॉडी. सो नाउ लेट्स समराइज दिस स्लाइड. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर टेस्टिस which continuously produce sperm and testosterone. In case of male, sperm production starts from puberty till death. Female में क्या होता था, female में होता है कि वो she is born with a complete set, एक set है उसके पास female gametes का. But in case of male, puberty से लेकर death तक sperm produce होंगे in the first structure, that is pair testis. Coming to the second structure, that is paired accessory glands that are going to secrete the substance that are going to activate, nourish, they are going to help or support the maturation of sperms. Tubes that are going to store and conduct them out of the body. Now you all must be thinking ki टेस्टिस जो हैं स्पर्म प्रोड्यूस कर रही हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही हैं. यस, तो ये कैसे, इसके पीछे कोऑर्डिनेशन क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, हॉर्मोन्स कौन से हैं. तो यस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन. तो जो ये प्रोसेस है वो एक्चुअली इट इज़ मीडिएटेड थ्रू द हॉर्मोन LH एंड FSH. LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड वेयर इज इन केस ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH क्या करेगा, टेस्टिस को बोलेगा कि एक्चुअली LH एंड FSH दे आर कमिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये जो LH है वो हेल्प करता है रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस, एंड FSH क्या बोलता है, स्पर्म प्रोडक्शन. तो समरी में अगर मैं आपको बोलूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हॉर्मोन्स आते हैं LH एंड FSH. FSH क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन को बोलेगा कि इनिशिएशन कराएगा, एंड LH बोलेगा कि हॉर्मोन्स को अब रिलीज कर दो. किसको बोलेगा, टेस्टिस को. नाउ दिस इज वॉट समथिंग विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक.
टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो आई कैन से जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है इन केस ऑफ मेल्स, वो स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है? एक्चुअली टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड हैं? स्क्रोटम में. स्क्रोटम एक स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ पाउच दैट हैंग्स आउट ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कूल है, 0.5 to 3 degrees कम है पूरे बॉडी टेम्परेचर का, इतना डिग्री वो कम है, मतलब कूलर है एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर. क्यों? जितना कूल टेम्परेचर जो है वहाँ पे, कूलर टेम्परेचर इज गोइंग टू प्रमोट द स्पर्म प्रोडक्शन. तो पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 levels में कैटेगराइज किया. जहाँ टेस्टिस बोला, टेस्टिस मतलब जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, जहाँ पे मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा. फिर सेकेंड पे आए, हमने बोला एसेसरी, जहाँ पे सिक्रीशन आएंगे जो हेल्प करेंगे स्पर्म के नरिशमेंट में और उसके एक्टिवेशन में. फिर हम आए ट्यूब्स पे. अब थोड़ा और डीप में गए, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम में. स्क्रोटम भी बहुत स्पेशल है, इट्स अ पाउच जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कूलर है एज कम्पेयर टू द एंटायर बॉडी. सो लेट्स अंडरस्टैंड टेस्टिस मोर इन मोर वे, गुड वे फ्रॉम दिस स्लाइड. टेस्टस, टेस्टस एंड टेस्टीज इज अ सिंगुलर वर्ड. इट्स अ पेयर स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुज फंक्शन इज टू प्रोड्यूस स्पर्म, ऑल्सो टू प्रोड्यूस अ मेल हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नाउ दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस आर फॉर्म विद इन आउटसाइड दी, मतलब एक पाउच है स्क्रोटम में वो है. सून आफ्टर द बर्थ और एट द 8th month ऑफ प्रेगनेंसी. सी स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द टेस्टिस. दे डिसेंड डाउन इन टू द स्क्रोटम सैक थ्रू द इनग्यूनल कनाल. 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वो पहले ऊपर रहते हैं एंड देन वो धीरे धीरे किसकी तरफ पुश की, स्क्रोटम की तरफ पुश होते हैं 8th month ऑफ प्रेगनेंसी. दो द लो टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम हेल्प्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस एंड यस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन में. नाउ अब ये जो टेस्टिस है दे कंटेन न्यूमरस एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहाँ पे बेसिकली टेस्टिस में जो ये बहुत सारे कॉइल ट्यूब्यूल ट्यूब्स हैं, वहीं पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है. और ये ट्यूब्स दे मर्ज टू फॉर्म अ सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस फ्रॉम द टेस्टिस द स्पर्म्स पास इन टू द एपिडिडिमिस. तो मैंने कैसे बोला कि टेस्टिस में कॉइल ट्यूब्स हैं जो मर्ज हुई और उन्होंने क्या बनाया, एपिडिडिमिस. Here the sperm complete maturation. Epididymis में पहुँचने के बाद ही sperm completion करते हैं and they are stored up to for 6 weeks. Now, second, जो epididymis है, see this is the testes. So ये जो epididymis है, it is divided into 3 parts: head, body, tail. यहाँ पे immature sperms receive होते हैं head में, फिर बॉडी में मूव होते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में एक पूरा मैच्योरेशन हो जाता है, मतलब स्पर्म का, और फिर वो टेल में स्टोर हो जाते हैं. ये जो ये कॉइल स्ट्रक्चर है, बेसिकली इट हैज़ दी लेंथ ऑफ 23 feet, इतनी इसकी, मतलब सोचो स्पर्म के पास, स्पर्म को कितनी बड़ी जर्नी तय करनी है व्हेन इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्टिस एंड मूविंग अहेड. Now, what next? अभी मैंने क्या बोला कि scrotum is present outside the body, मतलब testis outside the abdominal cavity present है. तो ऐसा कुछ तो रहना चाहिए ना जो outside the body से उसको connect करे inside. तो yes, that is the next structure, that is ductus deferens, vas deferens.
अभी ये क्या करेगा, इस ट्यूब विच इज गोइंग टू कनेक्ट द आउटसाइड का जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको कनेक्ट करेगा इनसाइड से. नाउ कमिंग टू द एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स का मैंने क्या खूबी बोली थी, व्हाट वाज द स्पेशलिटी, ऐसे सिक्रीशन जो हेल्प करेंगे स्पर्म के एक्टिवेशन में और मैच्योरेशन में. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. दे इंक्लूड अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड और आई कैन से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अब यहाँ पे दे आर गोइंग टू, यू आर नॉट एबल टू सी एक्चुअली, बट येस लेट मी देन मैं ही पढ़ती हूँ. द कलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, अभी ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं मैंने क्या बोला, दे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स. तो इनका कुछ सिक्रीशन होगा, इसके सिक्रीशन को बेसिकली बोलते हैं सीमेन. अब ये जो सीमेन है इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम एंड एंजाइम. वाई फ्रक्टोज क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म है उसको आगे चलकर उसकी जर्नी सोचिए, ये पूरा ये एक एपिडर्मिस से घूमना और यहाँ से निकलना एंड देन फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, वजाइना यूट्रस ओविडक ये सब कुछ कंप्लीट करना है. तो डोंट यू थिंक कि स्पर्म को एनर्जी चाहिए रहेगी, तो ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी, फ्रक्टोज से, जो क्या है सीमेन से. तो सीमेन बेसिकली इट इज़ अ सेमिनाइल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसके सिक्रीशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा और उसमें स्पर्म, मतलब ये सिक्रीशन प्लस स्पर्म इज टुगेदर नोन एज सीमेन. 5% ऑफ स्पर्म इज प्रेजेंट इन द सीमेन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शन क्या है, ये जो सिक्रीशन है उसका फंक्शन देख लेते हैं. फर्स्ट हेल्प्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स, सप्लाई न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, प्रोवाइड्स एल्केलिनिटी टू कंडक्ट एसिडिटी ऑफ यूट्रस. सी यूट्रस में कुछ एक एसिडिटी, एक एसिड इन्वॉल्वमेंट रहता है. व्हाई, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन जो एक वुमन को हो सकता है अगर उधर इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं रहा. एसिडिक कंडीशन कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल या फंजा वो इन्फेक्शन को रोकती है क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज ग्रो नहीं हो पाते. बट आगे चलकर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म नीड्स टू गो टू फ्रॉम देयर दैट पाथ ओनली. तो अगर वहाँ पे एसिड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज. तो वो प्रोविजन भी किस में है, सीमेन में है. तो वो प्लाज्मा, सीमेन प्लाज्मा इज गोइंग टू हेल्प इन दैट. सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस. सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प फॉर द मैच्योरेशन एंड डेफिनेटली मोर्टैलिटी ऑफ द स्पर्म, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो एनर्जी प्रोडक्शन कर लेते हैं आप जैसे ही प्रोवाइड करते हो फ्रक्टोज. नाउ इन ऑर्डर टू गेट मोर क्लियर पिक्चर कि ये स्पर्म कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, सी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या थे, टेस्टिस में थे, बहुत सारे कॉइल स्ट्रक्चर थे वो पहुँचे. सी एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न यू डोंट नीड टू गो हियर, उसके बाद डायरेक्ट जंप करो एपिडिडमिस पे आते हैं. दीज आर दी ऑल्सो सम स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पाथ ऑफ द स्पर्म जर्नी, दैट इज रिटेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया एंड देन एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के पास जरूर आएंगे. ये सब आउटसाइड है, उसके बाद कनेक्शन है आउटसाइड से इनसाइड का थ्रू दिस स्ट्रक्चर दैट इज वास डिफरेंसेस एंड देन कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा. द यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड एंड पासिस थ्रू द पेनिस. सो दिस स्ट्रक्चर अंटिल एंड अनलेस आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारे स्ट्रक्चर का सीक्वेंस नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, तब तक ये समझने वाला नहीं है. सो व्हाट आई सजेस्ट कि पहले स्ट्रक्चर को अपने सामने रखो एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर फ्लो चार्ट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज व्हाट विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, लेट्स जस्ट रीड आउट. टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, डेफिनेटली वही मर्ज होके क्या बनी, एपिडिडिमस.
जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूबुल्स, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मैं बार बार बोल रही हूँ उसमें क्या प्रेजेंट है, जर्माइनल एपिथेलियम, जो डिवाइड होंगी मियोसिस से और प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मैंने बताए. सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स आर रिटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडेडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक. यही मैंने बोला आपको आगे. तो वो जो मैंने फ्लो चार्ट पहले वाली स्लाइड में दिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है. एज द स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड्स फ्रॉम वन डक्ट टू अनदर, दे बिकम मैच्योर एंड नाउ दे आर एबल टू फर्टिलाइज द ओवम. सी यहाँ पे अभी आपको समझ गया, जो टेस्टिस में जो प्रोड्यूस हुआ ना स्पर्म, दैट वॉज नॉट कम्प्लीटली मैच्योर इन सो दैट इट कैन फर्टिलाइज द ओवम. ये सब जो वो जर्नी है उसकी एपिडिडमिस से लेकर सारे सिक्रीशन में मिक्स होने, नरिशमेंट, ये सब सब प्रोसेस में ही स्पर्म मैच्योर होगा और वो उस योग्य मतलब उस कंडीशन में पहुंचाएगा जब वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है. नाउ सेमिनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन द इजैकुलेटरी डक्ट्स, वेयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन द यूरोजेनाइटल ट्रैक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सिक्रीशंस, कि वो कहाँ पे उसके सिक्रीशन जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड, 5% स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं. सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू द पेनिस, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेयर्ड एक्सेप्ट यूरोजेनाइटल ट्रैक, पेनिस एंड स्क्रोटम, वो एक ही है बाकी सब पेयर्ड हैं. तो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट्स टेक द क्विक रिविजन वॉट वी हैव लर्न टूडे. So we'll start from the sequence wise jana testes that is going to produce the sperm and the male hormone that is testosterone. फिर आगे बढ़े, seminiferous tubule थे, merge हुए, क्या बनाया, epididymis, वो क्या करने वाला है, sperm को mature करने वाला है. vas differences क्या बनाएंगे, pathway, it's a pathway. अब आउटसाइड से इनसाइड से और उसके बाद उसको पीनस से रिलीज करवाना है, तो ये जो है ये पाथवे है. नाउ कमिंग टू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, इट इज गोइंग टू मेक द फ्लूइड ऑफ द सीमेन. नाउ कमिंग टू ब्लैडर, होल्ड्स यूरिन, यूरेथ्रा, यूरिन एंड स्पर्म लीव द बॉडी. यूरेथ्रा से क्या होगा, आइदर यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन एंड इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म्स, इट विल बी रिलीज्ड. और ये है पीनस जहाँ से वो रिलीज हो जाएंगे स्पर्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आफ्टर दैट येस दैट्स आर टारगेट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स. थैंक यू.